टॉपर्स कॉपी जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? आपकी गलतियां क्या है वो आप रियलाइज कर पाते हो, आप देख पाते हैं कि कितना सिंपल लिखने पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप टॉपर्स कॉपी भी देखें। उसके बाद आता है सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन क्या होता है? हम क्या करते हैं, वी गो टू कोचिंग, वी राइट सम पेपर्स, वी राइट सम टेस्ट, उन्होंने हमें कमेंट भी किए होते हैं कि दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज राइट, दिस इज वाई। बट व्हाट हैपेंस इज कि आप बस देखते हो, आप गुड लिखा बढ़िया, बैड लिखा ठीक है, अपना क्या जाता है, हम हटा देते हो उसको। ये बहुत गलत धारणा है, आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना जरूरी है। आप अपना पेपर लीजिए, उसमें देखिए कि आपके मेंटर ने, आपके टीचर ने क्या लिखा है, थोड़ा सा टॉपर्स कॉपी देखिए। आपकी कोचिंग में भी एक बच्चा होगा जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, उसकी कॉपी देखिए। और कोचिंग्स में जो पूरे इंडिया में चल रही है ऑनलाइन, सबके टॉपर्स कॉपी पढ़ी जाती है, उसमें देखिए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपकी गलती कहाँ आ रही है। आप अपने सबसे बढ़िया टीचर आप खुद होते हैं, अगर आप, क्योंकि आप इस स्टेज में है कि आप बच्चे थोड़ी हैं, आप इतने समझदार लोग हैं, तो वो जरूर करिए। और लास्ट में चार बहुत ही छोटी छोटी सी बातें, लेकिन वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो सोशल मीडिया से आई वुड रिक्वेस्ट आप ब्रेक ले लें, है ना, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसमें मैं सोशल मीडिया पर हूँ, आप कहेंगे आप तो सोशल मीडिया पे हो और हमें मना कर रहे हो। तो मैंने 6 से 7 साल का वनवास मैंने भी लिया था, मैंने नहीं देखा था सोशल मीडिया को, इंटर ये क्या आता है इंस्टाग्राम और ट्विटर का, तो उस समय जमाना भी नहीं था ना बनाया था, और लेकिन फेसबुक का था, और फेसबुक से मैंने भी वनवास ले लिया था कि यार फेसबुक नहीं चलाना है, व्हाट्सएप तो वैसे भी नहीं चलाना है, टेलीग्राम में इंटेलिजेंट ग्रुप्स बनते हैं, उसमें आपस में शेयर होता है मटीरियल, तो वो देखना है। सोशल मीडिया से इसलिए ब्रेक ले लीजिए, अपने आप को इस तैयारी में आप ऑलरेडी परेशान होते हो, पीछे वाले बच्चे परेशान होते हो तैयारी में कि नहीं होते, होते हो कि कुछ कर दो हमेशा एकदम अलग रखते हो, लेवल पे रखते होते हो ना, हाँ, तो फिर सोशल मीडिया मत चलाया करो ना। औरों की जिंदगी जो एक्सट्रीमली हैप्पी जो पोर्ट्रे हो रही होती है, उसको देख के कोई खुशी थोड़ी मिलेगी, उससे आप और डिप्रेस हो जाओगे, क्योंकि वो लोग अपनी जर्नी में कहीं और चल रहे हैं, है ना। आप क्या करते हैं, आप सोशल मीडिया देखते हैं, आप देखते हैं कि यार इसने बाइक ले ली, इसने घर ले लिया, ये यहाँ घूम रहा है, दुबई घूम रहा है, ये वहां घूम रही है, बट हैपेंस इंडिया ये इतना फैशन कर रही है, मैं तो देखो यार सूट पहन के दो जोड़ी बना के जा रही हूँ। ये जो माइंड सेट होता है ये आपको इतना परेशान कर देता है, आपका रिलेटिव डेप्रिवेशन इतना ज्यादा हो जाता है ना, जो रियलिटी नहीं है। आप अपनी दिशा में आप आए हो तो अलग ही है, रियलिटी नहीं है, लेकिन यू गेट कम्प्लीटली डिप्रेस्ड। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया से ब्रेक ले लीजिए, बिल्कुल अपने आप को और डिप्रेस करने की और गुमराह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट चीज, अपनी अच्छी कंपनी, लास्ट नहीं थर्ड लास्ट चीज, अपनी कंपनी अच्छी चूज करिए, ठीक है। कंपनी मतलब अपने आस पास के 2-4 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको ये नहीं दिया, चल यार ये पढ़ते चलो वो पढ़ते, तुमने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुमने वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ऐसे मत चूज कर लीजिए। 4 लोग ये बोले ना